आपने अभिषेक किया, शक्ति मिली, जयकारा कमजोर कैसे? बस भगवान की भक्ति चाय में, चाय से ज़्यादा कम शक्ति है क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। ये मान के चलना कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति धर्म में, भक्ति में, ये चाय वाय सब बेकार है। ये चाय में ही शक्ति होती तो मैं भगवान महावीर भी पीते और उससे ही शक्ति प्राप्त कर लेते। ये चाय में शक्ति होती, ये झूठी शक्ति है, इसीलिए तुम लोग उसमें फंसे हुए हो। सच्ची थी इसलिए भगवान महावीर ने छोड़ दिया और धर्म की शक्ति प्राप्त कर ली। चाय तुम्हें भगवान नहीं बना सकती है, चाय का छोड़ना भगवान बना सकता है। छोड़ो इस चाय बाय को, चाय को बाय बाय करो, आज से त्याग, दिन में एक बार बस, दो बार, अब एक बार पीना आज से। अब आपने चाय का नाम लिया है तो मैंने बुराई करी है, और आपको आज से एक चाय पीनी है, एक चाय से ज़्यादा नहीं पीनी है, ठीक है? आप लोग जितने लोग बैठे, कितनी कितनी चाय पीते एक दिन में, उंगलियां दिखाइए मुझे। जो एक पीता वो एक उंगली, जो दो पीता तो पांच वाले पांच, हाथ उठाइए जल्दी। जो नहीं पीते वो हाथ नीचे रखें, जो पीते वो हाथ उठा दें, उंगली दिखा दें, उंगली कितने बार पीते हो, उंगली दिखा दें, दिखाइए उंगली दिखाइए। तीन, दो, दो, तीन, 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 एक, एक, तीन। बाकी लोग नहीं पीते जो हाथ नहीं उठा रहे? तुम चाय नहीं पीती? ओहो, इतने सारे लोग चाय नहीं पीते। पहले ही जो पीते हैं वो नहीं पीते उनके लिए तालियां बजाओ। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी महिला, आप लोग चाय नहीं पीते? आपने उंगली उठाई है? अच्छा अच्छा फिर ठीक है। हाँ, अब एक काम करना, चाय अच्छी चीज़ है कि खराब? आपको व्रत उपवास में बाधा डालती कि नहीं? आने के पहले हाय व्रत आने वाला है, सिर दुखेगा, हाय मेरा उपवास है, सिर दुखेगा, टेंशन होती कि नहीं होती? अरे बोलो ना। हाँ, व्रत करने का भी मन करता है और सिर दुखने की भी टेंशन होती है, तो दोनों काम एक साथ बड़ा मुश्किल सा होता है। कर तो लेते हो मगर बड़ा मुश्किल सा। बोलिए चौबीसों भगवान की। चलो आज इसी पे ही प्रवचन सुना देती हूँ, बोलो। हाँ, सुना दूँ आज चाय पे प्रवचन? ठीक है, आज का प्रवचन चाय पर। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और छोड़ने में चाय चाय का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, कर्मों को तोड़ने का, और चाय के छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। मैं सुनाने को तैयार हूँ, तो आप सुनने को तैयार हैं? आपके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा प्रवचन? दरवाजा खुला है कि बंद है? दरवाजा खोल के रखना, मैं आ रही हूँ। चलिए, देखो मैंने अभी एक दिन बताया था, ये महिलाओं की आवाज करने की बात आ रही मुझे। हाँ हाँ भाई, बहन जी बहन जी बहन जी, ना मैं बोल रही हूँ, जब तक मैं बोलूंगी तो आप चुप रहेंगे, और जब आप बोलेंगे तो हो जाऊं, बोलो हो जाऊं मैं चुप, मैं बोलूं? चलिए बोलती हूँ। किसी भी चीज की आदत मत डालो। क्या कहा मैंने? आदत मत डालो अच्छी चीजों के अलावा। अच्छी चीजों की आदत को संस्कार कहते हैं और बुरी चीजों की आदत को व्यसन कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, अच्छी चीजों की आदत को संस्कार कहते हैं और बुरी चीजों की आदत को व्यसन कहते हैं। हमें व्यसन नहीं करना है, संस्कार लेना है। हम इस दुनिया में अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। ये जैन कुल क्यों मिला है? अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए, कि बुरी चीज़ों को छोड़ सकें और अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकें। हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य क्यों बने हैं? छोड़ने की ताकत, त्याग करने की ताकत किसी कुत्ते में नहीं है, किसी गाय में नहीं है, है क्या? देवता त्याग नहीं कर सकते, नारकियों को कुछ मिलता ही नहीं कि वो त्याग कर दें। एक मनुष्य है जो बुरी आदतों को छोड़ सकता है, एक मनुष्य है जो बुरी आदतों को छोड़ सकता है, और मनुष्य के अंदर तो इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा बना दे। उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है,
तुम क्या चाय के चक्कर में पड़े हो? ये चाय क्या, कौन सी बड़ी चीज है? उससे बड़ी चीज तो हमारे पास है, चाय से बड़ी चीज तो हमारे पास है। ये चाय तो बड़ी खोटी आदत वालों को होता है, बहुत खोटी आदत है। मैं सबसे बड़ा ये मानती हूँ कि ये हमारे व्रत और उपवास में बाधा डालती है, सबसे बड़ी बात है। होता यूं है, तुम्हारे अंदर संस्कार है, तुम्हारे अंदर अच्छे भाव है, तुम्हारे अंदर धर्म है, तुम चाहते हो कि हम उपवास करें, तुम चाहते हो हम व्रत करें और करते भी हो, चाहते भी हो और करते भी हो। लेकिन एक बाधा आती है, दो दिन पहले से टेंशन शुरू हो जाती है, परसों चतुर्दशी है, हाय परसों व्रत है मेरा, परसों उपवास है, बहुत सिर दुखेगा, वो चाय नहीं पीना तन रहता ना इसलिए बहुत सिर दुखता है। अब जिस दिन तुम्हारा व्रत उपवास हुआ उस दिन सुबह से सिर में चाय, वैसे यदि तुम सोच लेते कि चाय नहीं पीना, काम में लग जाती तो सिर नहीं दुखता, लेकिन दिमाग में आ गया कि मैंने चाय नहीं पीना है आज, अब सिर शुरू हो जाएगा। हाय आज पूजा शुरू नहीं हुई कि सिर शुरू हो गया, आज पूजा में भी मन नहीं लग रहा है, आज ना मेरा उपवास है, आज चाय नहीं पीना, बहुत सिर दुख रहा है। ये बाधा किसने डाली? चाय ने। किसने डाली? चाय ने। अब पूरे दिन तुम्हारा मन कहाँ रखा रहेगा? चाय में। जिस चीज को छोड़ा उसी में मन रह गया। अब तुम्हारा मन, तुमने उपवास इसलिए किया था अपना मन भक्ति में लगा सको, तुमने उपवास इसलिए किया था तुम्हारा मन स्वाध्याय में लगेगा, तुमने उपवास इसलिए किया था तुम आज के दिन खाने पीने से पापों से दूर रहोगी, अपने मन से खाने के विचार को हटा दोगी, और एक छोटी सी चाय ने तुम्हारे सारे दिन दिमाग में भोजन रखा, चाय रखी। बताइए ऐसी चाय को पीना चाहिए क्या जो तुम्हें उपवास करने में भाव खराब कर दे, जो उपवास के दिन तुम्हें शांति से उपवास ना करने दे, उपवास के दिन भगवान याद नहीं आते, चाय याद आती है। अब दोनों में से कौन अच्छा है निर्णय कीजिए, चाय अच्छी है या भगवान अच्छे है, बोलिए। आज फैसला हो जाना चाहिए, आज इधर या उधर, आज फैसला कर लो तुम्हें कौन चाहिए है, चाय चाहिए कि भगवान चाहिए। बोलिए किस किस को चाय चाहिए, भगवान किस किस को चाहिए, हाथ उठाइए। भगवान का ध्यान किस किस को चाहिए? दो काम नहीं होए सयाने, दो काम नहीं हो सयाए यानी बुद्धिमान। हे बुद्धिमान सुन लो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, निर्णय तो लेना पड़ेगा। आप ये सोचो माताजी कैसे बता रही हैं, मैं भी पहले बहुत चाय पीती थी, दूसरों की बात नहीं बता रही, पहले अपनी बता लूं। मैं जब घर में थी तब मैं भी बहुत चाय पीती थी, और चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा था, जैसे आपको लग रहा है ऐसा मुझे भी लग रहा था, बहुत मुश्किल लगता था चाय छोड़ना। हाय अब मैंने व्रत तो ले लिया है, अब चाय कैसे छोड़ूंगी, अब चाय छोड़नी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन जिस दिन मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी, मैंने कहा चाहे प्राण निकल जाएं मगर चाय नहीं पीऊंगी, चाहे प्राण निकल जाएं मगर चाय नहीं पीऊंगी, संकल्प शक्ति में दम है और आज आपके सामने बैठी हूं। यदि इस चाय के चक्कर में रहती तो दीक्षा भी ना ले पाती, इस चाय के चक्कर में रहती इतना धर्म भी ना कर पाती, इस चाय के चक्कर में रहती तो सारे अच्छे काम छूट जाते। यदि सारे अच्छे काम करना है तो चाय का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। और जिसने एक बार हिम्मत कर ली, एक बार हिम्मत वाली बात है, एक बार हिम्मत करना पड़ेगा। और क्या होता मैं अपना प्रैक्टिकल बता दूं, जिस दिन चाय छोड़ते हैं सिर दुखेगा, दूसरे दिन थोड़ा और दुखेगा, तीसरे दिन शायद थोड़ा और दुख जाएगा, चौथे दिन थोड़ा डाउन हो जाएगा, पांचवें दिन और डाउन हो जाएगा, छठवें सात दिन और डाउन हो जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि हमने कभी चाय पी भी थी। केवल सात दिन आपको समर्पित करने पड़ेंगे और मुझे याद करना पड़ेगा, आप मुझे याद कर लें सात दिन के लिए तो आपकी चाय छूट सकती है। पहले दिन जब आप चाय छोड़ेंगे तो यूं लगेगा हाथ पैर में जान नहीं है, यूं लगेगा हाय काम नहीं हो रहा है, सुबह से उठ के ना पानी की बाल्टी उठाई जाएगी, ना रसोई में भोजन बनाया जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी। सात दिन नहीं, सात दिन नहीं, तीन दिन, केवल तीन दिन।
और हो सकता है अरे आज तो बुखार सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? चाय नहीं पीना। इस चाय ने आपके शरीर के रोम रोम में घर बना लिया है, आपके खून के हर हिस्से में घर जमा लिया है। अब वो घर छोड़ने में टाइम तो लगेगा। आप मकान मालिक जब किराएदार से कहता है मकान खाली करो, तो एक दिन में थोड़ी खाली कर देता है, दो चार दिन तो लगेंगे ना खाली करने में। इस चाय ने इस हमारी शरीर में घर बनाया है, तो दो चार दिन तो लगेंगे ना इस मकान को खाली करने में, और ज़्यादा दिन नहीं लेता, बड़ी जल्दी 3 दिन में खाली कर देता है। 3 दिन के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और बिल्कुल आराम से रहेंगे, और जब आप उपवास करेंगे ना आपको टेंशन ही नहीं होगी कि मुझे उपवास करना है, सिर दुखेगा। और जब सिर ही नहीं दुखेगा तो उपवास भी बड़ी शांति से होगा, भगवान की भक्ति भी बड़े आनंदमयी होगी, और भगवान के जो पूजा करेंगे उसमें भी मन लगेगा और सारा दिन बड़े आराम से कटेगा, और व्रत उपवास करने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वैसे चाय जो पीते हैं बहुत डरते हैं, चाय छोड़नी पड़ेगी चाय, और एक बार छोड़ दो झटके में, डरपोक ये काम नहीं कर सकते, ये काम तो हिम्मत वाले कर सकते हैं। जिसके अंदर हिम्मत होती है, संकल्प की ताकत होती है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, और जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग ही त्याग के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। जो लोग डरते हैं, डरपोक होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ना वो यहाँ कुछ कर पाएंगे और ना वो वहाँ कुछ कर पाएंगे, ना इस जन्म में कुछ कर पाएंगे ना वो अगले जन्म में कुछ कर पाएंगे। कुछ करने वाले हिम्मत वाले होते हैं, और हिम्मत वाले ही त्याग करते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ है हिम्मत आपके अंदर? वाह वाह, एक बार जोरदार ताली मारी। दिल्ली वाली बहन जी कह रही छोड़ दी चाय मैंने, अब ये छोड़ सकती हैं तो कोई भी छोड़ सकता है, कोई भी छोड़ सकता है। उठाइए हाथ, आज उठाइए, उठाइए, एक बार हिम्मत कर लो, आपके बच्चों की भी जिंदगी सुधर जाएगी। जब आप चाय नहीं पियेंगे तो बच्चे भी नहीं पियेंगे, और दूध मिलेगा। अभी मैं एक बहुत अच्छी चीज सुनाऊंगी आपको, जल्दी हाथ उठाइए, जल्दी हाथ उठाइए। चाय छोड़ने कहा, छोड़ दो छोड़ दो, उधर मत देखो, इधर देखो, इधर। हाँ बहुत बढ़िया बहन जी, इधर इधर इधर, चश्मा वाली इधर इधर इधर, उठाइए हाथ, हिम्मत कर लो। एक बार चाय पीती नहीं हो फिर उधर क्यों देख रही हो? हाँ आपने चाय हाथ उठाए रखे, मैं एक बार देखना चाहती कितने हिम्मत वाले हैं यहाँ पर। उठाए रखे हाथ, किन किन ने चाय छोड़ी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस 13 ही लोग हिम्मत वाले हैं, बस बाकी सब कमजोरों की सभा लगी हुई है यहाँ पर। ओहो, हमें शेर चाहिए, शेर धर्म करने के लिए कौन चाहिए? शेर जैसे दिल वाले चाहिए। ये चाय के पीछे जो पड़े रहेंगे वो चाय में घुसे रहेंगे, वो चाय के कीड़ा है, वो बाहर नहीं निकलेंगे उससे। आप चाय के कीड़ा मत बनो, चाय से बाहर निकलो आप, बोलो ना। हाँ अच्छा, जितने लोग 3 बार पीते हैं वो 1 बार का कर दें, 1 बार का कर दें, 1 बार का कर ले। चलो 3 वाले 2 बार कर ले, जो 3 बार पीते वो 2 बार में हाथ उठाएं, 2 बार में हाथ उठाएं, दो उंगली दिखा दें मुझे, 2 उंगली दिखा दें, 3 वाले 2 बार, ठीक है। और जो 2 वाले थे वो कितने थे वो हाथ उठाइए, 2 वाले वो 1 बार, जो 2 वाले हैं वो 1 बार, और जो 3 वाले हैं वो 2 बार, और जो 1 वाले हैं वो जो छोड़ ही दें, खत्म ही कर दें मामला। चलिए एक चीज सुनाती हूँ, एक किसी ने कुछ लाइनें लिखी हैं। ओम जय चाय की प्याली मैया, जय चाय की प्याली, सुस्ते जनों को पल में चूसते कराने वाली, ओम जय चाय की प्याली। हाँ जिनने छोड़ा उसको सुना रही हूँ, जिनने नहीं छोड़ा वो अपने कान में उंगली लगा ले, वो नहीं सुनना मेरी इस बात को। उठते ही बिस्तर से चाय जरूर मिले मैया, चाय जरूर मिले, बिन दांतुन बिन मंजन चाय मुंह में डाली, ओम जय चाय की प्याली। दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में, क्या मिलती थी? दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में, अब तो पहले चाय मिले फिर भोजन की थाली।
ओम जय चाय की प्याली। दूध की नदियां बहती थी मैया पहले जमाने में, दूध की नदियां बहती थी मैया पहले जमाने में। अभी तो दूध में मिल गई, अभी तो दूध में मिल गई चाय की पत्ती काली। ओम जय चाय की प्याली। एक काली पत्ती को हटाओ, हम सफेद पसंद करते हैं। सफेद पिएंगे मजबूत बनेंगे, शरीर मजबूत बनेगा, हड्डियां मजबूत बनेंगी, दूध पीने से दिमाग की नसें भी चुस्त फुस्त रहेंगी और एक स्थायी ताकत पैदा होती है दूध से। दूध से स्थायी ताकत पैदा होती है और चाय से 2 मिनट की ताकत पैदा होती है। थोड़ी देर को लगा कि आ गई ताकत और फिर चली जाती है। वो जो चाय है उसमें जाने वाली ताकत है और दूध में स्थाई रहने वाली ताकत है। बताइए आपको कौन सी ताकत चाहिए? स्थाई। और किसके भाव हुए पूरे त्याग करने के? चाय। उठाइए हाथ फिर। हाँ, पीना नहीं चाय? और आज आज तो पीना ही मत। अब आज तो प्रवचन सुना, आज कैसे पी सकते हो? आज थोड़ी चाय पी सकते हो। जैसी चाय की याद आए ना, एक लौंग 9 बार नमोकार, एक लौंग हाथ में लेना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, उसको मुंह में डाल लेना। आपको चाय की याद आए तो लौंग लेना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना उस लौंग के ऊपर और उसको मुंह में डाल लेना, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। देखिए आप नमोकार मंत्र की ताकत को आजमा लेना आप खुद ही। आज बड़ा आनंद आएगा। ये चाय कुछ नहीं है, बेकार है, छोड़ने लायक चीज़ है, मैंने हजारों को छुड़वाई है और वो आकर मुझे थैंक यू बोलते हैं। बोले माता जी आपको बहुत 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 क्या कहूँ मैं, आपने हमारी चाय छुड़वा दी। छोड़ते समय तो बड़ा जोर पड़ रहा था लेकिन अब छोड़ दी है तो व्रत उपवास बड़े आराम से हो रहे हैं और दूध पीने में बड़ा आराम आता है, ताकत भी आती है। चाय छुड़वा के आपने बहुत अच्छा किया। आपको अच्छा लगे ना तो आप लौट के आना मुझे थैंक यू कहने के लिए। अरे बोलो ना। हाँ, पांचवी बार आ रही हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई पांचवी बार आ रहा, कोई तीसरी बार, कोई आठवीं बार, कोई दसवीं बार भगवान के दर्शन करने। आप सभी बड़ी दूर दूर से आए, आज जयपुर से भी आए हैं। सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप है ना, जैन सोशल ग्रुप आया, मानसरोवर वाले, बिल्कुल मानसरोवर में रहते आप? हाँ हाँ। और मैं तो चाहूँगी आप वास्तव वाले मानसरोवर में पहुँच के रहें। आज ये मानसरोवर ही अपना पूरा, जहाँ मानसरोवर वाले पहुँच जाते हैं वो मानसरोवर बन जाता है। तो आज मानसरोवर में बैठे हैं। हरिद्वार से बालेशी भी आए हैं, उनके साथ ही 2-3 और भी जने आए हैं और इसके साथ हाट पिपलिया वाले, दिल्ली वाले, सीकर वाले, ब्यावर वाले और हैदराबाद वाले, महाराष्ट्र वाले, सब जगह के लोग आए हैं। और आज सबने भगवान का अभिषेक देखा, शांति धारा देखी, आनंद मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? जम गई? अरे बोलो ना। एक होता है कि बह जाना और एक होता है जम जाना। तो जमी कि नहीं जमी? जम गई ना मेरी बात आपके दिमाग में? अब मैंने आप लोगों को त्याग करवाया है, अब सबका नियम है कि एक एक जनों की चाय या तो त्याग करवाना या कम करवाना। करवा सकते हो? जब मैं इतने लोगों का करवा सकती तो क्या आप नहीं करवा सकते हो? आपके अंदर भी तो ताकत है, इसकी बुराइयां बता देना, बस वो भी त्याग कर देगा। अरे बोलो ना। हाँ, फूल में कली का, पानी भरने में नली का, और ये आपकी तपस्या है, तपस्या में बाहुबली का, छूटने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और आपकी चाय छोड़ने की तपस्या का, महिलाओं में, बहुओं में सास का, लेने में सांस का और करने में फिर शांति से उपवास का।
नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और चाय छोड़ने के बाद अच्छे अच्छे भाव का। बोले चौबीसों भगवान की।